अभी मेरी एलजी साहब से मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि वो सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने वाली फाइल कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द इसको भेज देंगे, ताकि बिकॉज सर्विसेज सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं। हम आगे जितने भी प्रशासनिक फेरबदल करना चाहते हैं वो सारे सर्विसेज सेक्रेटरी करते हैं, तो सबसे पहले उनका चेंज जरूरी था। दूसरा, एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है, आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए, और बहुत सालों के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है और दिल्ली के लोगों के चेहरे पे खुशी आई है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर पाएगी। अरविंद जी, 2000 के नोट जिस तरह से अब लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन सर्कुलेशन में जिस तरह से आरबीआई ने अभी आदेश दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? वो मैं बाद में करेंगे ना, इसको आज इसी को चलाएंगे।